दोस्तों चेन्नई की टीम 14 अप्रैल के हाई वोल्टेज मुकाबले में चिरप्रतिद्वंदी मुंबई इंडियंस के खिलाफ भिड़ने वाली है, लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले दोस्तों इन तीन खिलाड़ियों ने चेन्नई की टीम का दिमाग खराब करके रख दिया और चेन्नई की टीम मैच से पहले बड़े धर्म संकट में फंस चुकी है। आखिर दोस्तों कौन से खिलाड़ी हैं जो चेन्नई का सिर दर्द बढ़ाने में लगे हैं? इसके अलावा मुंबई के खिलाफ क्या है चेन्नई की रणनीति, हम बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी कट्टर सीएसके वाले हैं और चाहते हैं कि चेन्नई की टीम मुंबई को पटकने दे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों चेन्नई और मुंबई के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और मुकाबला मुंबई के खिलाफ है तो चेन्नई की रणनीति भी हाई लेवल की होनी चाहिए और जिस प्रकार मुंबई की टीम अब तक प्रदर्शन करने में लगी है उसे देखकर लगता है कि वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई के साथ बदतमीजी न हो जाए, क्योंकि मुंबई वालों ने अपना गुस्सा हाल ही में आरसीबी वालों पर निकाला है जिनकी बैटिंग देखकर हड़बड़ाहट हो रही है और मुंबई के खिलाफ चेन्नई के गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन मैच से पहले दोस्तों चेन्नई के तीन खिलाड़ियों ने सिर दर्द बढ़ा दिया है और चेन्नई मुंबई के खिलाफ कमजोर साबित हो सकती है। पहला बड़ा कारण दोस्तों चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी है जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छा करने में लगे जिन्होंने केकेआर के खिलाफ अच्छी वापसी की थी और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला काफी चलता है और मुंबई इंडियंस के खिलाफ पक्का रॉकेट राजा का बल्ला चलता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन रचिन रवींद्र अब तक फ्लॉप साबित हुए जिन्होंने पिछले तीनों ही मुकाबलों में काफी ज्यादा निराश किया है और मुंबई के खिलाफ अगर रचिन रवींद्र का यही हाल रहा तो चेन्नई को लेने के देने भी पड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रचिन रवींद्र पावर प्ले में ही अपना विकेट गंवाने में लगे और मुंबई के खिलाफ रचिन रवींद्र को अपने बल्ले से कमाल करना होगा ताकि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके, क्योंकि मुंबई की टीम के सामने 200 रन का स्कोर भी चेन्नई के लिए काफी नहीं है। ऐसे में किसी एक ओपनर खिलाड़ी को शुरू से ही प्रहार करना होगा और पारी को भी लंबा लेकर जाना होगा और इस मुकाबले में दोस्तों रचिन रवींद्र की भूमिका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और उम्मीद है कि ये खिलाड़ी जरूर मुंबई के खिलाफ वापसी करके अच्छी शुरुआत दिलाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों दीपक चहर सनाह इंजर्ड है और कोलकाता के खिलाफ भी मुकाबले से बाहर थे और शायद मुंबई के खिलाफ भी दीपक चहर प्लेइंग 11 से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए भी दीपक चहर को मैदान पर नहीं देखा गया। लेकिन अगर दीपक चहर प्लेइंग 11 में मुंबई के खिलाफ शामिल होते हैं तो चेन्नई की टीम के लिए राहत भरी खबर होगी। तो वहीं दोस्तों महेश पाथी राणा जो कि लगातार दो मुकाबलों से बाहर है और ऐसा भी नहीं है कि पाथी राणा चोटिल है और मुंबई के खिलाफ पाथी राणा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि दोस्तों महेश दीक्षा की जगह आपको प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्पिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं चलती है और चेन्नई की टीम महेश दीक्षा को बाहर करके पाथी राणा के साथ मैदान पर खेलते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि दोस्तों महेश पाथी राणा के बिना चेन्नई हमेशा अधूरी सी मानी जाती है, जो कि दोस्तों डेथ ओवरों के काफी खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं और दोस्तों मुंबई की टीम के खिलाफ महेश पाथी राणा चेन्नई के लिए गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, जो कि दोस्तों चेन्नई के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से क्या चेन्नई की टीम मुंबई के खिलाफ बदलाव करेगी, नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।